आमिर खान और किरण राव के रिश्ते में फाइनली सेपरेशन के बाद हिना खान का टूटा दिल। आखिरकार इनके सेपरेशन को लेकर हिना खान ने क्या कुछ बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, चलिए बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आप सभी को पता है कि रिसेंट एक आपको बता दूँ कि पोस्ट शेयर करते हुए आमिर खान ने ये शॉकिंग खबर सभी फैंस को, सभी लोगों को सुना दी है। हालांकि सभी लोग वाकई अब तक शॉक में हैं कि वाकई क्या आमिर खान और किरण राव हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि 15 साल का ये रिश्ता अचानक से टूट रहा है। वेल गाइस, इसके साथ आमिर खान ने ये बात बताई कि हम अलग ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और इसी के साथ हम अपनी ज़िंदगी भी बस अपने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग होकर ही बिताना चाहते हैं। तो आमिर खान के इस डिसीज़न पर हिना खान के रिएक्शंस आए हैं सामने। हिना खान ने हार्ट ब्रेकिंग इमोजीज शेयर करते हुए ये लिखा है कि मैच्योरिटी उसी में है जब ड्रामा को इंसान ख़त्म कर देता है। कभी उस बेचारी बच्ची का सोचिए जो कि ऑलरेडी अपने मम्मी पापा के गलत डिसीज़न की वजह से क्या कुछ पेन में गुजर रही होगी। यानी कि कहीं ना कहीं हिना खान को आमिर खान और किरण राव का डिसीज़न बहुत गलत लग रहा है। उनका अलग होना बिल्कुल गलत है और इसलिए हिना खान उनके बेटी को लेकर सोच रही हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि हिना खान का ये कहना है कि हमें मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को लेकर हैंडल करना चाहिए, ना कि अलग होने का डिसीज़न कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ हिना खान ने तो वेल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो अपसेट नज़र आ रही हैं इस रिश्ते को के टूटने से, जिसके बाद उन्होंने हर जगह ये बात बताई है और अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर भी कुछ ऐसे ही शेयर किए हैं वेल स्टेटसेस। तो इसी के साथ हिना खान तो काफ़ी अपसेट है आमिर खान और किरण राव के अलग होने की खबर पर, लेकिन आपके क्या हैं रिएक्शंस हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।